नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं न्यूज 24। ठाणे के थिएटर में भिड़े एनसीपी और एमएनएस के कार्यकर्ता, फिल्म को लेकर ये आपस में भिड़े हैं। आपको बता दें कि फिल्म हर हर महादेव के दौरान हंगामा हुआ और ठाणे के थिएटर में एनसीपी और एमएनएस के कार्यकर्ता भिड़ गए। एनसीपी ने रुकवाई फिल्म को, चलती हुई स्क्रीनिंग को रुकवाया तो एमएनएस ने फिर से उसको शुरू करवाया थिएटर में। फिल्म हर हर महादेव के दौरान यह हंगामा हुआ है। ठाणे के थिएटर का ये पूरा मामला है जहां एनसीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, एमएनएस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एनसीपी और एमएनएस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े फिल्म हर हर महादेव की स्क्रीनिंग के दौरान ये हंगामा हुआ। ये चल रहा है, शुरू करना, कल ताबड़तोड़ शुरू कर। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस दल के नेता और पूर्व मंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मॉल में घुसते, वहां पर जबरन दुकानें बंद की जाती हैं, थिएटर में जो लोग फिल्म देखने आए हैं उन्हें इनके कार्यकर्ता इनके समक्ष मारपीट करते हैं। कानून हाथ में लेने की इजाजत आपको किसने दी? जब आपके पास महाराष्ट्र की सत्ता थी उस दौरान भी घर पे एक पुलिस कर्मी को ला करके मारपीट की गई थी, ये देश नहीं भूला। खैर, अब महाराष्ट्र में श्रीमान उद्धव ठाकरे जी जैसे खामोश बैठने वाली सरकार नहीं है। जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। दर्शकों के साथ हंगामा हुआ, ये क्यों हुआ शायद आप भी जानते हैं, बाकी ये हमको नामंजूर है जो दिखाया जा रहा है। ये शिवाजी महाराज का इतिहास ही नहीं है, जो इतिहास है ही नहीं, जो इतिहास कभी सुना ही नहीं किसी ने, वो अगर आप दिखाओगे तो हम तो पहले दिन से शिवाजी महाराज के इतिहास का विकृतिकरण करने के खिलाफ है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, ये पूरा मामला क्या है? हर हर महादेव की दिखाई जा रही थी, उस दौरान ये हंगामा हमने देखा, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है राजनीति। ये जो मूवी है ये करीब 25 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी, ये हाल ही में रिलीज़ नहीं हुई है, करीब एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस मूवी को, और लगभग देश भर की यानी पैन इंडिया में से रिलीज़ की गई थी और लगभग सभी सिनेमाघरों में इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना सिर्फ क्रिटिक्स द्वारा बल्कि दर्शकों के द्वारा भी। ये जो मूवी है छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर योद्धा होंगे, एक सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम है बाजी प्रभु देशपांडे, उन पर ये आधारित है, उनकी वीरता पर आधारित है। और एनसीपी का आरोप है, जितेंद्र आवार का आरोप है कि इस फिल्म में शिवाजी महाराज से जुड़े हुए कुछ चीजें हैं वो गलत तरीके से बताई जा रही है, गलत जानकारी दी जा रही है, इतिहास को तरोड़ा मरोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि आपको इस फिल्म से आपत्ति थी, आप सेंसर बोर्ड पे इसकी शिकायत कर सकते थे, सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद ही ये फिल्म को स्क्रीनिंग की इजाजत मिली। यदि आपको कोई भी आपत्ति होती थी तो पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कर सकते थे या फिर कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा कर सकते थे, जहां पर हमने पहले भी कई मामले इस तरीके के देखे हैं। लेकिन यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाना, जो मूवी देखने के लिए दर्शक बैठे हैं उनके साथ हाथ पाई करना, उनके जबरदस्ती फिल्म को रुकवाना, ये कहीं ना कहीं दिखाता था कि रॉब किस तरीके से है, गुंडागर्दी है, क्योंकि पहले भी जितेंद्र अवार्ड पर इस तरीके के मामले, इस तरीके की किस्से हमने देखे हैं। तो फिल्म का विवाद पूरी तरीके से इसी से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर एमएनएस की बात करें तो उनका कहना है कि जो फिल्म है वो पूरी तरीके से सही है और एमएनएस जो है फिल्म के सपोर्ट में उतर चुकी है, तो पूरी तरीके से एक राजनीतिक तौर से इसे देखा जा रहा है, जहां एक तरफ एनसीपी इसका विरोध कर रही तो एमएनएस के समर्थन में उतरी है। आज शाम को जिस थिएटर में इसे स्क्रीन को रोक दिया गया था उसी थिएटर में करीब 6:15 बजे के आसपास एक फ्री शो रखा गया है एमएनएस द्वारा, ये बताने के लिए उस फिल्म के पूरी तरीके से समर्थन में है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, यदि आपको विरोध करना था तो इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म एक अलग चैनल है, लेकिन ये चैनल जिस तरीके से अपनाया गया मार्केट है, क्योंकि 25 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो चुकी है और उसके बाद अब ये हंगामा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें,
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।